नाउ शिफ्टेड फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ पे चली गई है। तो मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल डिमांड लेदर की, लेदर गुड्स की पाकिस्तान की डेफिनेटली इस वक्त इंक्रीज हो रही है। इंटरनेशनल लेदर सेक्टर में आपका लेदर स्किन आती है, आपकी लेदर गार्मेंट्स आती है, आपकी लेदर गुड्स आती है, लेदर बैग्स एंड लेदर शूज बिग आई मीन चेन ऑफ दी गुड्स जो इस सेक्टर के अंदर आती है। एंड इसी टाइम के हम इस सेक्टर को प्रमोट करें, इस सेक्टर को हम जो मैक्सिमम फैसिलिटेट करें। अगर हम एग्जाम्पल दें अपनी नेबरिंग कंट्री इंडिया की, जिसपे आज हम फोकस करेंगे और आज हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं। Presently, I had a meeting with the Tanneries Association also. मैंने Tanneries को विजिट भी किया और मेरा ख्याल है 2014 से हम एक प्रोजेक्ट चलाने की कोशिश कर रहे हैं और आज 2022 आ गया है, सो ऑलमोस्ट 8 साल। और कोई हम एग्जाम्पल चाइना, इंडिया, वो सारी एग्जाम्पल्स हैं, तो मेरा नहीं ख्याल किसी मुल्क को इतना टाइम लगा हो इतना। So the failure is on our part and we share the burden of the failure. I'll have a meeting with the DC immediately after this meeting. So unka kyunki aaj board day tha, to he requested ke sir udhar kar lete hain, I might go there also. To main ye chahta hu ki jitni bhi industry hai hamari, dekhen agar hum tanneries ne let's say अभी ये बता रहे थे कि वी वर 1.3% एंड नाउ वी आर डाउन टू 0.7 और इंडिया 1.4 था एंड दे गॉन टू 3 point something। सो वी हैव रिग्रेस्ड और उसकी मेन रीजन ये है कि किसी भी जगह पे किसी भी बिजनेस में टाइमिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर द अर्ली बर्ड्स जो बिजनेस मैनेजमेंट की टर्म में, अगर आप अर्ली बर्ड्स हैं तो आप यू एक्चुअली चूंकि हम चैम्बर हैं एंड वी हैव टू बी यू नो गिव जस्टिस टू ऑल डिफरेंट कैटेगरीज वी आर डीलिंग इन। आई रिप्रेजेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट यू विल फील हैप्पी टू नो दैट इन टेक्सटाइल अल्हम्दुलिल्लाह आवर फैक्ट्रीज आर नाउ ऑलरेडी वर्किंग ऑन बायोडिग्रेडेबल रीयूजेबल मटीरियल्स फाइबर्स। वी हैव ऑलरेडी स्विच टू बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग कौन फाइबर से वो बनती हैं एंड अप्रूवल उठाएं और एनवायरमेंट के दफ्तर के चक्कर लगाएं और आए करें। व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम एनवायरमेंटल अप्रूवल आप ऑनलाइन अप्लाई करें और आपको ऑनलाइन मिले, ठीक है ना। नो नीड टू कम टू एनवायरमेंट ऑफिस। इस पे मुझे को तकरीबन 6-8 महीने लग जाएंगे। वी हैव स्टार्टेड द प्रोसेस, अब हम उसका वो पूरा मॉड्यूल बना रहे हैं। डिजिटाइजेशन इज द ओनली सोल्यूशन जी। ह्यूमन इंट्रैक्शन जिधर भी होगी या जिधर भी होती है तो एक हद तक तो आप चेक रख सकते हैं टेम्पररी। अगर मैं बहुत सख्ती करूंगा तो वो महीने 2 महीने के लिए हो जाएगा, मैं जाऊंगा तो फिर वो वापस हो जाएगा। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि हम इंस्टीट्यूशनल सिस्टम्स ऐसे डेवलप करें कि ह्यूमन इंट्रैक्शन खत्म हो जाए। आपने गए हैं इंटरनेट पे, आपकी चेकलिस्ट पूरी पड़ी है कि क्या क्या लगाना है। अगर वो चीजें सारी लगी होंगी तो योर केस विल नॉट बी रिजेक्टेड। आपको एनओसी बाय लेटर ऑन द ईमेल और व्हाटएवर या आप आके कलेक्ट कर सकते हैं। सो ह्यूमन इंटरेक्शन को अगर इफ यू एग्री, इफ द चेंबर एग्रीज और हमें एक दो फोकल पर व्हाटएवर अप्रोचेस यू के जो हमारी एनवायरमेंटल अप्रूवल होती भी है, होती है जहां पे कुछ प्रोपोनेंट के पास कम होता है, कुछ उसको वो ब्लैकमेल करता है, वो कहता है अच्छा चल तुम इतना छोड़ दो तो मैं इतना छोड़ता हूँ तो कर देता हूँ। सो आई वॉन्ट टू प्ले बोथ साइड्स कि ना वो कम करा सके और ना ये ज्यादा कर सके। सो आई एम ट्राइंग टू टेक इट ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म कि डिजिटली आप अप्लाई करें और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो यू गेट एन एनओसी और अगर आपके नहीं पूरे तो केस विल बी रिवर्टेड बैक या केस सबमिट ही नहीं होगा। आप अपने डॉक्यूमेंट पूरे करें, सबमिट करें, आपको एनओसी दे देंगे। सो इट वर्क्स बोथ वेज। लेकिन स्टिल
मेरा ख्याल है जब तक वो SMEs हैं, जो लोग हैं, आप लोगों को बता दें यार अगर आपको NOCs में प्रॉब्लम है तो लेट अस नो. व्हाट वी विल डू इज कि हम इंडस्ट्री स्पेसिफिक जितनी आपके पास आती जाएंगी हम चेक लिस्ट बना के फ्लोट करते जाएंगे. सो हूसोएवर कम्स उनको कि यार केस अप्लाई करो तो ये चेक लिस्ट पूरी होनी चाहिए, फिर आपका टाइम. और जो फोकल पर्सन आप कह रहे हैं वो अगर काइंडली आप जाते साथ ही करते हैं तो ये बड़ा ये हमारे लिए बड़ा प्रोडक्टिव हो जाएगी. मैं हमारी आ रही है डिपार्टमेंट में वन मंथ आप उनको एक नोटिस दें कि वो अप्लाई करें और अपना जो नक्शा वक्शा उनका है और अगले महीने शुरू करें. तो ये जब इस प्लान ये हम इसको मिनट भी करेंगे और इस प्लान की जब आप अमल करेंगे तो उसमें जो एक्चुअल टैनर्स है चाहे वो सियालकोट का है या क्योंकि अभी तो सियालकोट की है जो हमारा शुरू से आपको पता प्लान था ये रिकॉर्डेड है मिनट्स में कि गुजरांवाला की जो 28 टैनरीज हैं वो भी इसी जोन में आने और फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे हम क्या है और आप लोगों के साथ लाहौर में सेक्टरी इन्वायरमेंट मीटिंग कर चुके हैं कितने साल पहले और आप उसको सीरियसली ले रहे हैं. वंस जिस दिन ये प्रोजेक्ट यहाँ पे बन गया तो उस दिन फिर